बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकास ने हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट टॉरिक पीरियड्स के अंदर जो चित्राल के रूलर्स थे, महतर जिनको कहा जाता था, यहाँ पे उनकी एक रेजिडेंस और आजकल उसकी रेनोवेशन जारी थी क्योंकि उनके बेटे की शादी होनी थी, तो उसके सिलसिले में उन्होंने इसको क्लोज किया हुआ था और रेनोवेशन चल रही थी। इन्होंने हमारे लिए खसूसी परमिशन ली और हम एयरपोर्ट से निकल कर रास्ते में हमें दरिया का खूबसूरत मंजर देखने को मिला। बहुत ही बोल्ड तरीके से, धाकड़ तरीके से दरिया का पानी बहता हुआ नज़र आया। दरिया के साथ साथ त्राल के महतर की रेजिडेंस के ऊपर पहुंच के, दरवाज़ा बंद था, बड़ा ट्रेडिशनल सा दरवाज़ा था, तो उसको नॉक किया गया और वकास ने इंट्रोडक्शन किया और उन्हें बताया कि हमें परमिशन है आज, तो फिर वो दरवाज़ा हमारे लिए खोला गया। मीनवाइल हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया, 2-4-5 मिनट का, हमने वहाँ पे अपनी खूबसूरत दरिया के मंजर के साथ कुछ अपनी तस्वीरें बनाई। अंदर दाखिल होने के बाद हमें एक बहुत ही खूबसूरत आर्चिस का मंजर नज़र आया, एक ट्रेडिशनल बिल्डिंग जिसको फ्रेशली पेंट किया गया था। यहाँ आते ही एक पुरसरार और एक हिस्टोरिक सा कोई फीलिंग आनी शुरू हो गई और हर चीज़ को हम बड़े उसी अंदाज में देख रहे थे जिस तरह ये यहाँ आज भी उस दौर के लोग रहते हैं। मैंने एयरपोर्ट के लाउंज के अंदर वो तस्वीर देखी थी तो मेरे जहन में वही मंजर चल रहे थे जो महतर उस वक्त के थे, उनकी पर्सनैलिटी, उनका अंदाज, उनकी गाड़ियाँ, क्या बात है। तो आज तो रोड है लेकिन उस वक्त किस तरह उन्होंने मैनेज किया था, तो मैं अपने जहन में वही कॉन्सेप्ट लेके इन चीज़ों को देखना शुरू हुआ। मुझे इस बिल्डिंग के कॉरिडोर्स के अंदर अंग्रेज़ों की छोड़ी हुई असलाह तोपे नज़र आई। मैंने खसूसी तौर पे वहाँ पे पूछा तो उन्होंने कहा ये अंग्रेज़ों ने यहाँ के महतर को जाते हुए गिफ्ट किया था। तो मैंने फिर बाद में जब चित्राल का म्यूज़ियम भी देखा, जो कि मैं आपको इस वीडियो की सीरीज़ में दिखाऊँगा, तो मुझे ये एहसास हुआ कि इनके पास बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है। और ख़ास कर ये जो तोपे कॉरिडोर के अंदर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर एक ये स्टैम्प भी है, ये उस दौर की हिस्टोरिक आर्मरी है जो कि अंग्रेज़ों ने जाते हुए इनको गिफ्ट की थी और इन्होंने एज अ सुवेनियर उसको अभी तक ये अपने घर के अंदर महतर ने रखा हुआ है। इन तोपों के साथ खड़े होकर तस्वीर बनवाना एक बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग थी। यहाँ पे चलते चलते किसी ने मेंशन किया कि वो जो दरवाज़ा है वो एक्चुअली उनके कैद खाने का एंट्रेंस है। तो मैंने मुड़ के पूछा कौन सा, तो ये वाला वो दरवाज़ा है जो कि उनके तहखाने में एंट्रेंस का रास्ता है जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। तो मुझे बताया गया कि ये जो कैदी थे इस रास्ते से नीचे ले जाए जाते थे, फिर वो रिवर के लेवल पे आ जाते थे। अब हम इस बिल्डिंग के अंदर एंटर होने वाले, बाहर से ही एक सेटिंग हो गई थी इतने खूबसूरत मंजरनामे की कि कितनी हिस्टोरिक जगह है। वो तोपें देखी हमने, फिर वो जेल की एंट्रेंस देखी और उसका तहखाना नीचे जाता हुआ और फिर वो दरिया के लेवल के ऊपर, तो बहुत ही एक ज़बरदस्त सी फीलिंग आ रही थी। लेकिन जब हम अंदर एंटर हुए तो असल पार्टी तो अब शुरू हुई। तो जब हम अंदर एंटर हुए तो मैं आपको क्या बताऊं कि हमने क्या क्या देखा। हर चीज़ को ऐसे देख रहे थे जैसे यहाँ भी कोई असरार और रमूज। बहुत ही हिस्टोरिक, बड़ी ज़बरदस्त जगह। ये दरबार है, दरबार जी सर, दरबार है। और ये पे है मिदार सर, अमानुल मुल्क सर जी सर, ये 36 साल अभी इसकी शादी हो रही है, अमानुल मुल्क के बेटे सर, इसने 41 साल हुकूमत की सर, और ये नसर मुल्क के सर, इसने 7 साल हुकूमत की, ये मुजफ्फर मुल्क के सर, इसने भी 7 साल हुकूमत की, ये सैफर मुल्क, इसने 6 साल की, ये सैफर मुल्क सर, चीते का शिकार मेहतर साहब ने किया था, हमने तलवार उठा के उसके सामने अपनी फोटो खिंचा के अपना शो पूरा कर लिया। उसके सर पे हाथ रखा तो थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं जिंदा ही ना हो जाए। रेजिडेंस के अंदर आने के बाद हर चीज़ में एक हमें हिस्ट्री नज़र आ रही थी, एक पुरसरार सा माहौल नज़र आ रहा था। इस रेजिडेंस के कॉरिडोर्स में घूमते हुए इस मंजर को आप भी इंजॉय कीजिए। और ये जो कॉरिडोर के अंदर लगे हुए शिकार किए हुए जो भी जानवर थे उनके, उन्होंने एज अ सुवेनियर है वो सर स्टफ़ करके लगाए हुए थे, एक अजीब ही किस्म का मंजर था। इस हॉल के अंदर एंटर होके
एक ज़बरदस्त फीलिंग आई फेस्टिविटी की, एक ग्रैंड किस्म की माहौल की फीलिंग आई। जगह जगह मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ मैंने देखा कि उनकी जो बहुत पुरानी जो तस्वीरें थी वो जगह जगह पे रखी हुई थी। मैंने उनके बारे में पूछा भी, बहुत सी मैंने क्यूरीज की, बहुत ही हिस्टोरिक और एंटीक उसके अंदर तस्वीरें थी, कुछ के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे घूमते हुए मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि हर चीज़ के पीछे कोई मिस्ट्री हो सकती है, किसी तहखाने का रास्ता हो सकता है, कोई जगह हो सकती है। तो मैं कैमरे के थ्रू देखता देखता वीडियो बनाता बनाता एक आतिशदान के पास पहुंचा, तो मेरे फोकस के अंदर एक रेड कलर की तख्ती आई जिसके ऊपर लिखा हुआ था फोटोग्राफी नॉट अलाउड। मैंने एक लम्हे के लिए रुक के उसको देखा और मैंने अपनी फोटोग्राफी जारी रखी, क्योंकि मैंने ये मेमोरीज जो हैं अपने लिए करनी थी और हमने उसकी कुछ परमिशन भी उनसे ली हुई थी, तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी सी परमिशन हमें दी हुई थी, थोड़ी सी हमने वो एक टूरिस्ट होने का जो एक पासपोर्ट होता है थोड़ी सी लिबर्टी लेने का वो हमने ली और हमने ये कुछ वहाँ पे फोटोग्राफी की जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन कॉरिडोर्स के अंदर चल रहा हूँ, आप ये फील कीजिए कि इसके अंदर ये चलते हुए यहाँ पे कोई मंजर, कोई रास्ता, कोई तहखाना। तो मुझे एक दरवाज़ा नज़र आया, एक खिड़की नज़र आई, आई थॉट कि पता नहीं इसके पीछे क्या होगा। तो मेरे साथी आगे निकल गए थे, मैंने उसकी वो चिटकनी खोली और खोल के तो मैंने उसको बाहर देखा, तो लॉन का मंजर था, तो मैंने हंसते हुए उसको खिड़की को बंद किया और मैं उसकी चिटकनी लगाई, तो आगे से मेरे गुलीग पूछते हैं सर क्या हुआ, तो मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। उन्हें मैं क्या बताता कि मुझे यहाँ पे हर चीज़ के अंदर एक पुरसरार माहौल नज़र आ रहा और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस दरवाजे के पीछे क्या है, उस खिड़की के पीछे क्या है, और मैं हर नीचे जाने वाले रास्ते के ऊपर जाने के लिए तैयार था, तो मुझे उन्होंने रोका नहीं नहीं इस रास्ते पे नहीं जाना, चला जाओ नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर आप ये दिखाते हैं ये इस तरफ को क्या है, इस तरफ को ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, ये हैंड रिटन लेटर्स हैं जो कि उस वक्त मेहतर को मुख्तलिफ वाइसराइज ने और बहुत डिग्निटरीज ने लिखे थे। यार ये तो माय गॉड इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस इधर आने का, इस जगह को देखने का इस तरीके से। ये सिटिंग ये इनकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी भी है। सब भी मैं अपनी लाइब्रेरी में बैठा हुआ हूँ। मैं आपको इंशाल्लाह किसी दिन अपने इस लाइब्रेरी का और अपने वर्क प्लेस का फुल टूर दूंगा। तो हम वहाँ मेहतर की रेजिडेंस के अंदर हिस्टोरिकल लाइब्रेरी के अंदर इस वक्त दाखिल हो रहे हैं और यहाँ पे इसकी जो अलमारियाँ हैं इसके अंदर बुक्स जो हिस्टोरिक बुक्स उस वक्त की हैं वो अब भी रखी हुई हैं। एक बहुत मंजर है, जगह जगह कुरान की आयात असमाउल हुस्ना लिखे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग। ये लाइब्रेरी प्लेस है, ये बुक्स हैं भाई, लुक एट दिस, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लुक्स लाइक, और बड़ी पुरानी किताबें ये रखी हुई हैं। और ये क्या जगह है? ये सर ये करेस्पोंडेंस है उस टाइम की। ये कुर्सी रहो
ये देख बड़ा पैसे को डूबा से डूबा तो फोटो की चित्र है उसको कपड़े बदल के किए लो जनाब, हम भी मेहतर साहब की सीट के ऊपर जो यहाँ रखी हुई होती थी अपनी इस हिस्टोरिक जगह के ऊपर मेडल्स के साथ रखी हुई सीट के ऊपर, उनकी इजाज़त से हम भी विराजमान हो गए और फोटो खिंचवा ली इस हिस्टोरिक जगह के अंदर। रियली वेरी इंजॉयबल और मैंने बहुत ही इंजॉय किया इस चीज़ को। इस विंडो को देखिए, इसके अंदर ये जो कलर्ड शीशे हैं, मैंने कहीं जब मैं यूरोप में गया हुआ था तो वहाँ भी मैंने बहुत सी जगहों के ऊपर, खासकर कॉर्डोबा मॉस्क में गए, उनका एक वहाँ कैथीड्रल था, वहाँ पे भी मैंने इस तरह के शीशे इस्तेमाल हुए हुए देखे। तो इसके बारे में मैंने पढ़ा था, सूरज की रोशनी इसके अंदर से आती है तो वो मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज की बन के आती है, विच इज़ वेरी सूदिंग फॉर दी पर्सन जो इस वक्त इस बिल्डिंग के अंदर बैठा हुआ होता है, तो उसको एक बड़े एक सुकून का एहसास होता है। ये इसकी थ्योरी है।